प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी हाथ जोड़ के हम पूरे विश्व के नागरिकों से, बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों से निवेदन करते हैं कि हम सबों का सम्मान करनी चाहिए। हमको कभी भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम सुख शांति से, जो हमारे 8 अरब विश्व के लोग हैं, वो साथ मिलके जीना चाहते हैं सुख शांति से, हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हिंदुस्तान भारतवर्ष अहिंसा का केंद्र बिंदु रहा है, प्रेम और शांति का वातावरण हमेशा बना के रखने में विश्वास किया है, जहाँ की योग की शिक्षा मिली है जिसका आधार ही है जुड़ना, जाति धर्म मजहब क्षेत्र सबको जोड़ने की बात होती है, हम सबको एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे सोच पवित्र हो, अहिंसा हमारा बुनियादी ढांचा हो, सत्य बोलें, सत्य को समझें और सबके साथ मिल के जीने का ये संकल्प लेना चाहिए। जब शांति है, सुख है, चैन है सबों के दिल दिमाग में, तभी विश्व शांति आएगी। क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में शांति है तो हर व्यक्ति जो 8 अरब की संख्या को पूरा करता है वो शांति में विश्वास करेगा। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, पुतिन हो, जो बाइडन हो, नेटो अलायंस के हेड्स हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे का अपमान करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं और लड़ाई युद्ध शुरू कर देते हैं। ये तो बड़े बड़े देशों के राज्याध्यक्ष की, राष्ट्राध्यक्ष की ये नादानी है, नासमझी है। शांति से दूर अशांति और युद्ध की तरफ चले जाते हैं। शी जिनपिंग जैसे चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, अब देखिए वो पूरा दुनिया में धौंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जितने भी उनके अड़ोस पड़ोस में 14 राष्ट्र हैं या समुद्र है, वहाँ उनका आधिपत्य हो जाए। ये सारे अज्ञानता का द्योतक है, ये मूर्खता का सबसे बड़ा पराकाष्ठा है। अब हिंदुस्तान माजे, भारतवर्ष अखंड था, हजारों वर्ष सभ्यता संस्कृति रही, बुद्ध आए, शांति का पाठ पढ़ाया, ये शांति प्रिय देश रहा। यहाँ हर जीव जंतुओं की सुरक्षा, उसका सम्मान करते हुए उसकी भावनाओं से जुड़ने की बात कही गई है। योग इसी से शुरू हुआ है। हम सबों के कल्याण की बात करते हैं। आत्मवसर होते सु, सारी आत्माएं समान है, उनका सम्मान करो। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य मिल के रहे, इसी को पर्यावरण का संतुलन भी कह सकते हैं आप। और सब बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुशहाल हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य खुशहाल हो। अगर सभी खुशहाल होंगे तो वातावरण शांतिमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, क्योंकि सब खुशहाल है। कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कलह नहीं। हम सब जी रहे हैं, थोड़े दिन की जिंदगी हमें मिली है। ये ब्रह्मांड में हम पृथ्वी एक जो पिंड है उस पर है, और फिर ये पृथ्वी तो अपना परिवार ही है ना। आज तो वैज्ञानिकों ने, राइट ब्रदर्स ने हमें एरोप्लेन दिया, जेट दिया, सब कुछ दिया, इसीलिए पृथ्वी जुड़ चुकी है, सारे राष्ट्र जुड़ चुके हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए। अब एक छोटे से मुद्दे की बात करता हूँ जो बिल्कुल भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए, यहाँ खून की नदियाँ बहा दी, यहाँ आधिपत्य काम कर दिए, यहाँ सल्तनत बना दिए, यहाँ मुगल डायनेस्टी बना दिए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त कर दी। अंग्रेज भी आ गए, 1947 में इन्होंने हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के चले गए। आधार था धार्मिक कट्टरता और धार्मिक द्वंद्व के आधार पर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के आधार पर देश को 2 टुकड़े में कर दिए गए। हमारे भाई बहन जो मुसलमान थे, पाकिस्तान बना लिए, बाद में टूट के बांग्लादेश भी बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी वो हिंदू मुसलमान भाई यहाँ रहते हैं, दोनों भाई बहन, हिंदू और मुसलमान। हम उनसे हाथ जोड़ के ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी निवेदन करता हूँ,
कि बहुत नसही और न नसही, बहुत हमारा नुकसान हो चुका है, नफरत में, नाराज़गी में, बैर में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलह में हम मिल के रहना सीखें, हम एक दूसरे का सम्मान करें। क्योंकि लोग हमारी तरह तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, बुद्ध नहीं हैं, विवेक नहीं हैं, जिसको किसी भी धर्म घर से कुछ लेना देना नहीं, सत्य से जुड़ना है। मैं बुद्ध हूँ भाई, मैं ही गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के विचारों पर चलने वाला दूसरा बुद्ध हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्म से जुड़ा नहीं हूँ। धर्म करोगे तो कोई हिंदू हो जाएगा, कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन हो जाएंगे, कोई जैन हो जाएंगे, कोई बुद्ध हो जाएंगे। मैं विचार से जुड़ा हूँ, वो सत्य से जुड़ा हुआ, ग्रेविटी से जुड़ा हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ा हूँ, रमन इफेक्ट से जुड़ा हूँ। ये सब वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये किसी भी छोटे छोटे समुदाय के लोगों से नहीं जुड़ा, ये ब्रह्मांड से जुड़ा है। क्योंकि मैं एक भौतिक शास्त्र का विद्वान हूँ, मेरी नस्ल आइंस्टाइन की, न्यूटन की, एलन मस्क की और जितने भी महान वैज्ञानिक हुए स्टीफन हॉकिंग्स की है, ये सत्य से जुड़े हैं। सत्य तो यही है कि प्यार करो, शाश्वत है ये, शांति में विश्वास रखो, ये शाश्वत है भाई। मैं धर्म से जुड़ना नहीं चाहता, आप मुझे धर्म में मत जुड़ो, मैं बिल्कुल एक वैज्ञानिक हूँ। और वैज्ञानिक हमेशा सत्य की तलाश करता है, ट्रूथ को पहचानता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी किया, आइंस्टाइन ने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिससे कि आज हम इंटरनेट से जुड़े हैं। हम तो उन लोगों से, मैं स्टीव जो आपको सेलफोन देता हूँ, हम उन लोगों से जुड़े हैं जो आपको टेलीविज़न दिया है, हम उन लोगों से जुड़े हैं जिसने आपको ऑटोमोबाइल दिया, आपको एरोप्लेन दिया। ये सत्य है भाई, आपके लिए किया, आपके लिए करता रहता हूँ, आप भी थोड़ा सुधर जाइए। जो लोग साधारण है, जितना कुछ किया नहीं पृथ्वी के लिए, न धरती के लिए, न लोगों के लिए, उनसे निवेदन करता हूँ, आप कम से कम लड़िए झगड़िए तो नहीं। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी भावना से जुड़े हुए हैं, अगर कोई उस पर कुछ विपरीत दिशा में बोलता है तो आपके दिल को ठेस लगता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं, आप मुझे गाली दे दो कितना भी दो, क्योंकि मैंने तो काम ही नहीं किया। हमारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध को कितने लोग गाली देते थे, जब मैं उसका उत्तरदायित्व तो लेता नहीं, क्योंकि मैंने तो कर्म ही नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। आपको तो बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे प्यार करिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ जहर है, आप मुझसे नफरत करते हैं बिना मतलब के, तो मैं उससे जुड़ा ही नहीं हूँ। यही बुद्ध कहते थे। आप जानते हैं कि बुद्ध उन लोगों के खिलाफ थे जो कि बहुत ही गलत रास्ते जा रहे थे, हिंसा में विश्वास था, जानवरों की हत्या, अज्ञानता का घनघोर अंधकार आ गया, लोग रास्ते से भटक गए, तो उन सत्य का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन लोग गुस्से में आके उनको गाली गलौज करते थे, मारने के लिए आते थे। लेकिन उन्होंने कहा, यार ये गाली कितना भी मुझे दो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया जिससे कि मैं गाली सुनने का हकदार हो जाऊँ। मैं वो दिल तो दुखेगा यार गाली दोगे तो, क्योंकि मैं तो अपराधी हूँ नहीं, लेकिन आप ये अपराध कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ये लोग उतने ज्ञानी नहीं हैं, ये भावनात्मक विचारों से जुड़े हुए हैं। चोर को अगर चोर बोल दे तो गुस्से में आ जाएंगे, डाकू को डाकू बोलो तो गुस्से में आ जाएंगे। तो वो लोग थोड़ा कम दिमाग वाले लोग हैं जो कि सत्य से दूर चले गए, अंधविश्वास के कटोरे में बंद हो गए, और आप जो सोचते हैं वही उनको सत्य दिखता है, तो काहे उनको भड़काते हो भाई। हाथ जोड़ता हूँ, वो भी मेरे भाई बहन हैं, सभी तो बुद्ध नहीं हो सकते, गौतम सिद्धार्थ नहीं हो सकते, न विवेकानंद हो सकते, न फकीर योगी बृंद्री होती हो सकते, तो हमारे लिए थोड़ा दया करो भाई, लड़ो झगड़ो नहीं, किसी की भावना का सम्मान करो, क्योंकि वो भी मेरे भाई बहन हैं। दुर्भाग्य है कि बचपन से उनको इस तरह की शिक्षा नहीं दी गई कि वो भी सत्य की तरफ जाते, सूर्य को सूर्य बोलते, चंद्र को चंद्र बोलते, और कभी भी अगर कोई अपराध नहीं किया, गुनाहगार हो ही नहीं सकते, तो क्यों दुख मान जाते हो भाई। एक कहावत है सिंपल, हर लोग हिंदुस्तानी जानते हैं, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। आप अगर ज्ञानवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान, सत्यनाय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बह रहे हो, तो आप उस विशाल हाथी की तरह हो जो कभी कुछ करता नहीं है। तो जो छोटे मोटे लोग जो समझते नहीं, वो भूख रहे हैं, तो आपको परेशानी किस बात की है, किस बात की है भाई।
वो भूख रहे दो, आप जाओ। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा के प्रवाह में बहते हुए लोगों के कल्याण के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए अपने कर्म में लगे रहो, सबको समझाते रहो, सबको संवारते रहो, सबको रास्ता दिखाते रहो। आओ हम प्रेम करें। पोथी पर पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और उनको शीतल करे आपो ही शीतल होए। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा भजन भी सुन लो, जिसे हम राष्ट्र भजन बोलते हैं। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।